हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर की पुलिस का बड़ा कारनामा, 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का किया गया पर्दाफाश। खबर है आजमगढ़ के मुबारकपुर से, जहां पर जिले की सबसे बड़ी जेवर की चोरी की घटना का हुआ पर्दाफाश, 100% रिकवरी। आपको बता दें कि चोरी के करीब 11 लाख रुपए की कीमत की सोने की जेवरात के साथ दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 28-29 मई की रात्रि को श्रीमती रेहाना खातून पत्नी मोहम्मद हाशिम निवासी पूरा रानी थाना मुबारक के आजमगढ़ के घर से अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए मूल्य के सोने के आभूषण की चोरी की गई थी, जिसमें श्रीमती रेहाना खातून उपरोक्त की तारीफ पर थाना मुबारकपुर में मुकदमा संख्या 99/020 धारा 457-380-411 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कराया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक के 2 जून को समय सुबह 7:10 पर स्थान 52 बीघा मैदान इस्लामपुरा मुबारकपुर से दो नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से कीमती जेवरात व आवेदिका का पैन कार्ड व आधार कार्ड बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि गोरखपुर अपने दादी माँ के यहाँ रहने के उपरांत अपने सौतेली माँ के पास आया, वहाँ से अपनी सौतेली माँ के घर पर आया। घर के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ईद त्योहार के पहले ही आजमगढ़ आ गया था। अभियुक्त सलीम को जब ज्ञात हुआ कि मेरी सौतेली माँ अपने घर बंद करके आजमगढ़ गई है और रात में आजमगढ़ अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकी है, तो शाम को सोनू और दिलशाद के साथ ऑटो रिक्शा से मुबारकपुर शाम को गए और मोहल्ले में घूमते रहे। रात 10-11 बजे करीब स्पोर्टिंग ग्राउंड पर रहकर चोरी की रणनीति बनाई गई। रणनीति के मुताबिक पेड़ के सहारे घर में प्रवेश करके ताला व दरवाजा तोड़कर सारा सोने की जेवरात चुरा कर सागर होते हुए आजमगढ़ दूसरे से लिफ्ट लेते हुए सोनू और दिलशाद के किराए पर लिए हुए कमरे में पहुंचकर माल का बंटवारा कर जेवरात को बेचने के लिए जुगत में लग गए। जेवरात बेचने के प्रयास के दौरान ही मुबारकपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। अभियुक्तों से और कड़ाई से पूछताछ करने बताया कि इससे पहले भी थाना कोतवाली मुबारकपुर सिधारी अपराध में पकड़ा गया हूं। चोरी में गुल्लक में पैसा मिला था जिसको हमने खर्च कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। ये एक मीडिया में दे देते हैं, क्या है दिक्कत कहानी बताओ तो वही बोल देते हैं। कहानी यही है कि ये इस घर में कोई नहीं है, ये लड़का जो है उसका सौतेला लड़का कि आप चोरी के मामले में जो आपने तहरीर रखी थी इसमें आपका जो पुलिस महकमे द्वारा खुलासा हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में जो हम नहीं थे और हमारा दरवाज़ा सब बंद था और ये हमको नहीं मालूम कि हाँ किसने चोरी किया, लेकिन हमने जो फिर उसके बाद सोचना आकर थाने में जब गए तो पुलिस लोग जो है रोजाने के हमारे दरवाजे पर पहुँचे, पहुँचने के बाद हमारे जो है हमसे पूछताछ किए, करने के बाद उसके बाद जो कहने लगे कि तुमको किसी का शकन करना ही हमको किसी ने सर नहीं, लेकिन हमारा गहना चोर ले गया तो कहें कि ठीक है। उसके बाद हमारा जो सामान बरामद किए, करने के बाद हमको जो बुलाया गया दिखाया गया और आपका सारा जेवर मिल गया है? हाँ, हमारा सारा जेवर। लगभग कितने का रहा होगा जेवर? अब तो यही होगा 8-9 लाख। अच्छा अच्छा, तो इसमें पुलिस ने बखूबी जो है मुस्तैदी से आपके तहरीर पर उन्होंने जो है चोर को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है आपका सामान बरामद कर दिया, इसके बारे में आप पुलिस का क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रहने वाली कहाँ के आप? हम मुबारक के रहने वाले, हमारा मकान ही है। देखिए 28-29 की रात मुबारकपुर में एक चोरी हुई थी जिसमें 11 लाख के जेवरात चोरी गए थे, जिसमें सारे आभूषण थे। जो चोर निकला जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और सारे जेवरात बरामद हुए हैं वो उसका सौतेला बेटा है और उसका भाई लगता है रिश्ते में।
ये दोनों को जब ये जानकारी हुई कि इसकी माँ जो है आजमगढ़ गई हुई है और आज रात रुकेगी भी, तो ये दोनों ने प्लानिंग करके जा करके घर ऊपर छत से पेड़ से चढ़ करके छत से जा करके नीचे उतर करके पूरा गहना इन लोगों ने चुरा लिया था। ये आपके सामने बरामद की है, पूरी 11 लाख की बरामद की, और ये दोनों चोर बरामद हुए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। एक इसमें पहले भी 3 बार जेल जा चुका है, अभी और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके और क्या नेक्सस हैं, इनके गैंग में और कौन लोग काम करते हैं और इन लोगों ने पहले इस तरह की कितनी घटनाएं की, इस पर भी काम चल रहा है। सर क्या वजह रही है, क्या कोई पारिवारिक रहस्य के चोरी की गई या फिर ये पेशेवर चोर है? नहीं, ये पेशेवर है, क्योंकि जो दूसरा इसका साथी जो इसका मामा है वो 3 बार जेल जा चुका है, तो निश्चित रूप से ये पेशेवर चोर है। इन लोगों ने सोचा कि सौतेली माँ है, उसके सारे गहने चुरा लें, इस तरह से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।